स्टार्टअप टुगेदर 2022। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप से। आज का वीडियो थोड़ा दूसरे टाइप का है। इस वीडियो में हम और एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में हम शेयर करेंगे। ये एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूटकैंप और वेंचर कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें आप भी भाग ले सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है ये स्टार्टअप इंडिया और शुलिश स्कूल ऑफ बिजनेस कनाडा के द्वारा आयोजित है। ये जो इनिशिएटिव है ये इंडियन गवर्नमेंट और कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित है। इसका जो मेन टारगेट है ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर और इंस्पायर करना है। ये 7 दिन का कैंप होगा और 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 तक रहेगा। चलिए जानते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है इसमें ज्वाइन करने से। एक नंबर में इसमें डिफरेंट सक्सेसफुल इंडियन मेंटर्स और कैनेडियन मेंटर्स के साथ आपका कनेक्शन होगा। 2 नंबर में नया बिजनेस स्टार्टअप्स का आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। 3 नंबर में इनमें से जो बेस्ट सिलेक्ट होगा उनके स्टार्टअप्स के लिए पावरफुल टूल्स और सपोर्ट मिलेगा। 1 ग्लोबल नेटवर्क और मॉनिटरिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिलेगा और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका बहुत सारे एंटरप्रेनर्स को चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक एंटरप्रेनरशिप बिल्ड करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट में आप एक बार चेक कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुआ है, 13 नवंबर से शुरू हुआ है और 7 दिसंबर तक ओपन रहेगा और रिजल्ट जो है ये 15 दिसंबर को आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या क्या है। टू बी एलिजिबल स्टूडेंट्स मस्ट हैव आइदर ए बी एनरोल्ड एज एन अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका मतलब है एक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो जो UGC के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज है उनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। बी मस्ट हैव ग्रेजुएटेड नॉट अर्लियर देन 2019 मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स सिंस ग्रेजुएशन। आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2019 से पहले आपका नहीं होगा और ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 साल का गैप आपको चाहिए। Additionally, students must apply as a PR and must use their official email ID to register. आपका जो official email ID है इससे ही आप register कर सकते हैं या करें। Alternatively, you may upload a picture of your official identification card as issued by the university or the college along with the application web form. आपका जो profile picture है जो ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन का कार्ड में जो है वो सबमिट करें जो यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा दिया हुआ है अलोंग विद द एप्लीकेशन वेब फॉर्म। चलिए जानते हैं ये जो प्रोग्राम है इसका मेन थीम्स क्या क्या है या मेन जो सब्जेक्ट्स है जिसमें ये लोग फोकस कर रहा है ये क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है सेल्फ रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल पर्पस। फिर है एनवायरनमेंट प्लस एनर्जी। फिर है ई मोबिलिटी। फिर है इनकम सिक्योरिटी एंड फाइनटेक। फिर है हेल्थ केयर। उसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद है एडुकेशन और इसके बाद है टेक्सटाइल्स। अगर आप और भी जानना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंटरनेशनल बिजनेस डिमांड और सप्लाई टिप्स के बारे में तो आप हमारे powerlandkey.com ब्लॉग वेबसाइट में आप एक बार विजिट कर लें और आप हमारे पुराने YouTube वीडियोस को भी एक बार चेक कर लें। आप स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है इसमें जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरे को भी इन्वाइट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
और सबसे लास्ट रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।